नमस्कार मित्र बंधुओं, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो अंग्रेजी अल्फाबेट के आर नाम वाले जातक और एच नाम वाले जातक, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि इस नाम के जो दोनों लोग होते हैं इनको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मित्रों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, आर नाम वाले जातक और एच नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो इन दोनों में एक समानता की कमी होती है। इस नाम के जो लोग होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे से अलग होते हैं। ये दोनों हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचार को, अपने अपने दृष्टिकोण को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं और कभी भी अपने जीवन में अपने विचार के सामने में, अपने दृष्टिकोण के सामने में ये किसी और की बातों को, किसी और के विचारों को महत्व नहीं देते हैं। मित्रों, इस नाम के जो लोग होते हैं ये दोनों अपने जीवन की यात्रा में जो इनकी संस्कृति होती है, जो इनका रहन सहन होता है, वो एक दूसरे से अलग होता है और ये दोनों हमेशा अपने जीवन में अपने अपने संस्कृति को बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एच नाम वालों की बात करें तो एच नाम के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं। इनके अंदर में धैर्य की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दीबाजी करना पसंद नहीं करते हैं। कोई भी काम करना है तो ये काम को करते हैं, लेकिन काम को करने से पहले उसके बारे में सारी बातों को पता करते हैं, सारी बातों पर विचार करते हैं और उसके बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करते हैं। परंतु जो आर नाम वाले जातक हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो अपने दाम्पत्य जीवन में या अपने प्रेम जीवन में अपने जीवन साथी की बातों से, उनके विचारों से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं। अपने जीवन के प्रति इनका जो दृष्टिकोण होता है वो एच नाम वाले लोगों की तुलना में एकदम अलग होता है, एकदम भिन्न होता है और ऐसे परिस्थिति में आप दोनों के बीच में आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होता है। मित्रों, आर नाम वाले जातक और एच नाम वाले जातक, इन दोनों के बारे में हमने जाना और सुना और इन दोनों के बारे में इतनी बातों को जानने के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मित्रों आप दोनों के बीच में जो संबंध बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। मित्रों, आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे में कमेंट कीजिएगा, आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके सामने में स्पष्ट हो गई होगी और मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब अवश्य कर दिया होगा और वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।